दोस्तों हमारा ट्रिप जो है तुंगनाथ के लिए शुरू हो चुका है। अब ये गाड़ी सीधा यहाँ से तुंगनाथ के लिए निकलेगी। ये हमारे साथ हमारे तीन मित्र आशु तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके बच्चों? तो भाई हमें इतना बढ़िया लग रहा है भाई साहब, बस पूछो मत। इतना स्वाद आ गया भाई, बहुत स्वाद आ गया भाई। बस वालों के साथ जाहिर हो के वहाँ कभी मत खाना। भाई 5 रुपए की नमकीन जो 30 रुपए की दे देते हैं। हरिद्वार पहुँच चुके हैं ये हमारे साथ। अब हम कहाँ जा रहे नानी? हर की पौड़ी। हर की पौड़ी कोरोना टाइम में लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरा ऑफिस से लॉक मिल चुकी है। पहले नाइट कर्फ्यू लग रहा है, चल रहा है। अब चलो आगे देखते चल के क्या होता है। ये हमारे बाजू में मोदी भवन, ये पूरा ऊपर जो पहाड़ी आप देख रहे होंगे, देखिएगा जैसे कैमरे की क्लियरिटी के हिसाब से। आगे मनसा देवी है मंदिर, ऊपर हाइट पे देख सकते हैं मनसा देवी मंदिर, यहीं से आपको दर्शन हो रहे हैं। बहुत सौभाग्य है आप जो आपको बिना हरिद्वार आए हुए दर्शन। आसु भाई कहाँ पर हम अभी इस समय? भाई हम हैं हरिद्वार के दिल में, गंगा नदी के बिल्कुल तट पे पहुँच रहे हैं और गंगा मैया के दर्शन करने के लिए हम गंगा में उतरेंगे। और बहुत ही सुंदर दृश्य है, शांति का अनुभव जो कहते हैं। ये टाइम हो रहा है आपका 3:07। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इतनी मॉर्निंग में आ चुके हैं यहाँ पे। ये हमारे दो दुल्हनदर सुबह के पानी का जायजा लेते जाते हुए, सुबह के 3:30 बजे तीन दस हो रहे। बताओ यार, 3:10 बजे ये नहाएंगे। ये इनकी भक्ति है या मन की शक्ति है पता नहीं, पर लेकिन अतुल भाई साहब जी तो हमारे अतुल तो गया। भाई को तैरना आता है। हाँ वंस मोर ओके। इस समय हम ऋषिकेश में हैं, ऋषिकेश बस स्टैंड। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और अब यहाँ से जो है हम अपना ऑटो रिक्शा बाइक जो भी होता है वो रेंट करेंगे। देन वी स्टार्ट आवर जर्नी फॉर द तुंगनाथ। ठंड बहुत है और ठंड यहाँ पर इस समय बहुत है। ऋषिकेश से निकले हुए अभी हमें 4 घंटे हो चुके हैं और अब हम जोशीमठ के लिए निकले हुए हैं। वहाँ से देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये आप देखिए उत्तराखंड के नज़ारों की शांति। जा
पैदल चले हैं, कोई नहीं। तो हम चोपटा पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं हम तुंगनाथ के लिए यहाँ चोपटा पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर हमें एक अंकल मिले हैं, कैप्टन एस राणा जी। तो आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर जो है कि रूम की फैसिलिटी इनके पास कैसी है, और ये अगर सस्ते सस्ते आपको रूम चाहिए, क्योंकि चोपटा साइड में आपको जो रूम है वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं बताया तो ये आपको ये बताएंगे कि क्या क्या इनके फैसिलिटी है और कहाँ ये पड़ता है। जी अंकल जी बताइए। हाँ जी, मैं कैप्टन राणा, मैं आर्मी से हूँ, और यहाँ पर जो लोग टूरिस्ट के लिए आते हैं इधर, जो सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट टेंपल है तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए या ऊपर चंद्रशिला टॉप में चढ़ने के लिए आते हैं, ये लोग काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैंने एक चीज़ बनाया कि भाई सस्ते से सस्ते लोगों को, जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है नहीं आ पाते, उन लोगों के लिए भी हमने 400 रुपये का बेड रखा है, ठीक है, 100 रुपये का हमने उसमें खाना रखा है, 120 रुपये का खाना रखा है, जैसे जैसे खाना खाना चाहते हैं उसमें अच्छा खाना भी रखा हुआ है, और 100 रुपये में चावल दाल सब्जी अचार सलाद ये सब कुछ रखा हुआ है। और ये बहुत हाइट जो 11,000 फीट की हाइट पे है, यहाँ का नज़ारा कुछ और है, दुनिया में यहाँ पर लूट मचती है। अब यहाँ पर आज के रेट 5,000 और 6,000 रुपये है, परंतु जो सस्ते रेट हैं यहाँ पर जिन लोगों को आना चाहते हैं, यहाँ पर रूम 2500 के भी हैं, और जो कम जिनको सिंगल चारपाई चाहिए वो 400 रुपये में आपको पूरा रजाई वगैरह सब कुछ सिंगल मिल जाएगा। ओके थैंक यू। तो अंकल जी का कहना है यहाँ पर इनके पास डॉर्मेट्री सर्विस भी है, इसका मतलब कि आप अपना बेड के अकॉर्डिंग चार्ज दे सकते हैं, ठीक है, 400 रुपये बता रहे हैं बेड के चार्जेस है। और अगर रूम लिया जाए, रूम के रेंट भी यहाँ पर जो है 2500 से आपको स्टार्टिंग मिल जाएंगे, क्योंकि आपको चोपटा मेन साइड जाएंगे तो वहाँ पर आपको रूम रेंट इस समय 5,000 से 6,000 तक के मिलेंगे। हाँ, द इनके जो है रिजॉर्ट का नाम जो है द हिमालय बर्ड रिजॉर्ट नाम से इनका रिजॉर्ट है, चोपटा भूलखंड में पड़ता है इनका। हाँ, तो चोपटा से थोड़ा 1.5 किलोमीटर आगे जी, वो दूर जो है, दिख रहे आप, ये इन्हीं का गाँव है। शांति है ना तुल यार, शांति यार,